हाय गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना नाइट रूटीन। हम सब कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं नाइट रूटीन को लेकर कि किस तरह से हमारा नाइट रूटीन हो जिससे हम जल्दी सोएं और सुबह हम जल्दी उठ पाएं। मैं यूजुअली शाम को 6 बजे जिम जाती हूँ और आते आते मुझे 8 बज जाते हैं और यहीं से फिर मैं अपना नाइट रूटीन स्टार्ट कर देती हूँ फॉलो करना। इवनिंग में जब भी मैं जिम जाती हूँ तो उसके बाद मैं शावर ज़रूर लेती हूँ। इसके लिए मैं रात को नाइट वेयर निकाल लेती हूँ जो भी मुझे कंफर्टेबल लगता है, तो आज मैं ये नाइट वेयर पहनूंगी। पर शावर लेने से पहले मैं प्रेफर करती हूँ अपनी पोस्ट वर्कआउट मील लेना, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद हमारे टिश्यूज़ ब्रेक हो जाते हैं तो मसल्स को रिकवरी करने के लिए ज़रूरी है कोई प्रोटीन डाइट लिया जाए। वैसे मैं तो ज़्यादातर बनाना शेक या फिर स्मूदी लेती हूँ। वैसे मैंने मास गेनर लेकर भी देखा है तो इतना इफेक्टिव तो नहीं होता है, ऊपर से बैली फैट आ जाता है, इसलिए वो लेना मैंने बंद कर दिया था। अभी तो फिर मैं स्टार्ट करूँगी कोई प्रोटीन सप्लीमेंट लेना, पर उसके लिए भी मैं थोड़ा रिसर्च कर रही हूँ, उसी के बाद इस बार लूँगी। मुझे तो गर्मी में नींद नहीं आती है बिना शावर लिए, तो मैं तो शावर ज़रूर लेती हूँ। पर अभी मैं वर्कआउट करके आई हूँ ना, तो इसके बाद भी मैं शावर ले रही हूँ। इससे सारी स्वेटिंग निकल जाती है, जितने भी डॉट एंड पॉल्यूशन होता है। पर मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप शावर रेगुलर लोगे ना रात के समय, तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। अगर आप भी अपना नाइट रूटीन बिल्ड करना चाह रहे हो ना, तो आप इस चीज़ को मैंडेटरी बना लेना कि आपको शावर लेके ही सोना है। एक तो आपकी बॉडी क्लीन हो जाएगी और फ्रेश फील होने के साथ ना नींद बहुत अच्छी आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो परमानेंट रहें। ऐसा नहीं कि आज हमने किया फिर कल नहीं किया या फिर परसों किया। तो आप जैसे ही शावर लें उसके बाद आप भगवान की पूजा करें, इससे आपका मन बहुत पॉजिटिव फील करेगा, आसपास पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, जिससे होगा ये ना कि कुछ ही दिनों में आपको ऐसा फील होगा कि मैंने ये काम नहीं किया, ये तो मुझे आज इवनिंग में करना ही है, तो आप अपने रूटीन्स में कंसिस्टेंट रहना स्टार्ट कर देंगे। मैं जब भी मेंटली डिस्टर्ब फील करती हूँ तो मैं भगवान के पास आ जाती हूँ। यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है और बस फिर लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। ये तो आप सब जानते हैं ना कि मोस्टली मेरा जो डिनर है वो घर से ही आता है, मुझे रात को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मम्मी बना के रखती हैं तो वो मुझे भेज देती हैं पापा के हाथ, फिर बस मुझे गर्म करके खाना होता है। अब आप कहेंगे कि आप अकेले ही क्यों रहते अपने पेरेंट्स से, वो इसलिए क्योंकि मैं इंडिपेंडेंटली रहना चाहती थी, खुद के ऊपर फोकस करना चाहती थी इसलिए। वैसे इंडिपेंडेंटली रहते हुए मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है और मैं कह सकती हूँ मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। वैसे बस इतना ही नहीं है, बहुत सारे बिग प्लान्स भी हैं जिन पे मैं काम कर रही हूँ और अब आपके साथ सही वक्त पे शेयर भी करना स्टार्ट करूँगी। और ये जो मैंने नाइट सूट पहना हुआ है ना, इसमें इतनी गर्मी लग रही थी, फिर मैंने सोचा इसे चेंज कर लिया जाए क्योंकि मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। ये मेरी ड्रीम वैनिटी है जिसको डेकोर करने के लिए ऑलमोस्ट मैंने 3 to 4 months ले लिए हैं, पर अब जल्दी से इसको मैं डेकोर करके आपके साथ शेयर करूँगी। पर अभी सोने से पहले मुझे नाइट टाइम हेयर केयर रूटीन करना पसंद है जिसमें मैं यूज़ करती हूँ प्लिक्स रोजमेरी हेयर ग्रोथ सीरम। इसमें है रोजमेरी ऑयल जो कि हेयर फॉलिकल्स में जाके हेल्प करता है स्टिमुलेट करने में हेयर ग्रोथ को। बस इस सीरम को यूज़ करना है स्काल्प पे जहाँ पे हेयर लॉस और हेयर थिनिंग है, जैसे कि फ्रंट हेयर लाइन एंड सेंटर हेयर लाइन। और इसमें ना 3% रेडेंसल है जो कि विजिबल न्यू हेयर ग्रोथ करता है सिर्फ 84 डेज में। वैसे तो ये इंग्रेडिएंट अपने आप में ही प्रॉमिस करती है 9500 न्यू हेयर ग्रोथ देने में मंथली। और हाँ, इसमें बाइकैपल एंड एनागेल भी है जो कि पेनिट्रेट करता है डीपली, इम्प्रूव करता है हेयर ग्रोथ साइकिल को, तो ये रिड्यूस करता है हेयर फॉल को और देता है फुलर एंड थिकर हेयर। एंड द बेस्ट थिंग, ये नॉन स्टिकी है तो इसे यूज करने के बाद नेक्स्ट डे हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो बेस्ट रिजल्ट के लिए मैं इसको हर रात यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ रोजमेरी एंड रेडेंसल, तो ये ट्रिलोजिस्ट टेस्टेड एंड अप्रूव्ड है। वैसे से अगर आप भी यूज करेंगे तो इनिशियल फेज में आपको बेबी हेयर ग्रोथ मिलेगा 60 डेज में एंड विजिबल रिजल्ट मिलेंगे 90 डेज में। और आपके लिए इस प्रोडक्ट का लिंक भी दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप परचेज कर सकते हो।
आपको अपने बारे में एक बात बताऊं, मुझे डायरीज़ का ऑब्सेशन है। जब भी मैं डायरीज़ देखती हूँ ना, बस मैं बाय कर लेती हूँ। ये रिसेंटली मैंने बाय करी हैं, ब्लैक पिंक और BTS की डायरी। ये मुझे इतनी अट्रैक्ट करी थी ना, बस मैं खुद को रोक ही नहीं पाई और मैंने ले ली। अभी तो मुझे पता नहीं है किसमें मैं क्या लिखने वाली हूँ। और जब भी मुझे खुद को मोटिवेट करना होता है ना, तो मैं डायरी परचेज करती हूँ, उसमें अपने गोल्स लिखने स्टार्ट कर देती हूँ, फिर उनको अचीव करने के लिए काम करना शुरू कर देती हूँ। तो ये ब्लैक पिंक डायरी में तो मैंने सोचा है मैं अपने 2024 के गोल्स लिखूंगी, और ये BTS वाली डायरी में मैं डेली रूटीन्स के गोल लिखूंगी जो मुझे हर दिन फॉलो करने हैं। और ये तो आप सब जानते हैं ना, 2024 के गोल्स को लेके मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड रही हूँ फर्स्ट डे से, पर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाई चाहने के बाद भी, क्योंकि शुरुआत ही कुछ ऐसे हुई इस साल की कि जहाँ पे मेरी फैमिली में भी कुछ हुआ, फिर मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं चली, और अभी मैं इतना डिमोटिवेटेड फील कर रही थी ना, तो उस वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। बट आई नो मेरी ऑडियंस मुझसे क्या चाहती है, वो सब चीज़ें मुझे शेयर करनी है आपके साथ, और जो भी चीज़ें मैंने सोची हुई है ना बिग प्लान्स वाली, वो सब पे भी मैं काम कर रही हूँ, एंड आई होप मैं जल्दी से वो करना स्टार्ट कर दूँ आपके साथ शेयर। पर फिलहाल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने अपना रूटीन बना लिया है जो कि मुझे नेक्स्ट डे करना है, तो इस तरह से मैं हर दिन करना स्टार्ट करूँगी जिससे कि मुझे पता हो कि नेक्स्ट डे मुझे अब क्या करना है। अब रात को सोने से पहले मैं एक ग्लास दूध ज़रूर पीती हूँ, लेकिन कुछ टाइम से मैं पी नहीं रही थी, अब मैंने दोबारा से शुरू किया है दूध पी के सोना। अच्छी नींद देने के लिए दूध पीना स्टार्ट कर दो, इससे आपको रात को नींद अच्छी आएगी, पर ध्यान रहे कि खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद ही आप दूध पिएं जब आप सोने जा रहे हों, तो सोने से कुछ आधे घंटे या फिर 45 मिनट्स पहले आप दूध पी सकते हैं। मैंने शुगर बिल्कुल बंद किया हुआ है, तो इसकी जगह मैं मुनक्का ले रही हूँ। वैसे तो अंजीर भी खाई जा सकती है, पर जब से मुझे वो कमेंट आया है ना कि अंजीर में कीड़ा होता है, तब से मेरा मन नहीं करता उसे खाने का। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो नींद को लेके ना, तो रात को दूध पीना स्टार्ट कर दो, ठंडा दूध नहीं, आपको थोड़ा सा गर्म दूध पीना है, और कुछ ही दिनों में देखना आपको नींद इतनी अच्छी आनी स्टार्ट हो जाएगी ना, आप बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करोगे नींद को लेके, जल्दी सोओगे फिर आप जल्दी भी उठ पाओगे। मैं डेली रात को ब्रश करके सोती हूँ, और ये हैबिट डेवलप करना ज़रूरी है ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। रिसेंटली मैंने शेयर भी किया है आपके साथ ओरल हाइजीन रूटीन डिटेल में, नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। कुछ ऐसे हैबिट अपने अंदर आप भी डेवलप करें नाइट रूटीन में खासकर, जैसे कि रात को ब्रश करना, स्किन केयर फॉलो करना नाइट रूटीन वाला। अगर आपके कोई रूटीन्स ही नहीं होंगे ना, तो फिर आप कुछ भी करेंगे, कभी भी खाएंगे, कभी भी सोएंगे, किसी भी वक्त आप जागे रहेंगे, तो इससे फिर आपका नाइट रूटीन कभी बिल्ड नहीं होगा। तो बस इन छोटी छोटी हैबिट्स का ही अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाएं। मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में होते हैं 5 स्टेप, लेकिन आज सिर्फ मैं फेशियल ऑयल लगा के इस रोलर से मसाज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे स्किन को भी 1 से 2 दिन का गैप चाहिए होता है जिस दिन हम कुछ ना करें, पर उस दिन भी फिर मैं फेशियल ऑयल से मसाज कर लेती हूँ। बट हाँ, 5 स्टेप स्किन केयर रूटीन में आज फॉलो नहीं कर रही हूँ, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब इस टाइम 10 बज रहे हैं और अब मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे मेरे पास यहाँ पे एसी नहीं है, तो मैं कूलर में ही सोती हूँ, पर कूलर से भी काफ़ी सफोकेशन हो जाती है रूम में। अभी मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस सीज़न में एसी लगवा लिया जाए, क्योंकि रात को अच्छे से नींद नहीं पूरी हो पाती है मेरी, और अब मुझे सब कुछ अच्छे से फॉलो करना है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट शेयर करना है आपके साथ। जो भी मैंने 2024 के लिए सोचा हुआ है ना, अब बस बैक टू बैक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यही है मेरा नाइट रूटीन, जो हमेशा सेम ही रहता है, ज़्यादा एस्थेटिक या फैंसी रूटीन तो नहीं है, लेकिन ये रूटीन वो है जो कि हर कोई फॉलो कर सकता है। मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करके अपने रूटीन को बिल्कुल बेसिक ही रखना चाहिए, और बस थोड़ी देर फ़ोन यूज़ करने के बाद सभी के कमेंट्स चेक करती हूँ, रिप्लाई करती हूँ, और फिर सोने की कोशिश करती हूँ। तो बस आज के रूटीन को यहीं एंड करते हैं, एंड आई होप आपने इंजॉय किया होगा। किया है तो अब हम लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई विल सी यू नेक्स्ट वन, बाय गाइज़।